जेकेएल बहुत अच्छा लीग हो रहा है, हाँ फाइनल में हार चुके हैं, लगातार तीन गेम हो गया ना, इसीलिए बच्चे लोग ठीक से खड़े हो नहीं पा रहे थे। अच्छी तरफ से चल रहा है ये जेकेएल ने, सारी बच्चों को फ्यूचर को बढ़ा रहा है जो ये सीजन में, अभी तो यही भी मेरा फर्स्ट साल है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हम दोनों पर खेला, मिट्टी में खेला और मैट पर भी खेला। मेरा स्वागत है आप सभी का, और आज हम मौजूद हैं जस्ट कबड्डी स्पोर्ट्स ग्रुप में, और आज हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि जस्ट कबड्डी का 11वां सीजन था, उसका समापन है जो कल महाशिवरात्रि थी और उस पर उसका समापन है वो गया है, और हमारे साथ कोच इनके जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 11वें सीजन को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे 11वें सीजन को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आप और कौन सी टीम थी आपकी और क्या कारण रहे आपकी टीम चैंपियन नहीं बन पाई। मेरा नाम सैयद रहमत अली है, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल फायर एंड इमरजेंसी में जॉब करता हूँ। मैं पहली बार ये 11 सीजन में मैं पहली बार आया हूँ, हाँ मैं ये पहली बार मेरा पहला एक्सपीरियंस कोच का, और ये जेकेएल बहुत अच्छा लीग हो रहा है, हाँ बहुत बच्चों आगे जा सकता है, प्रो कबड्डी में जा सकता है, खेलो इंडिया खेल सकता है। हाँ जैसे मैं पंजाब का कोच था, हाँ कल हम लोग फाइनल में हार चुके, हाँ लगातार तीन गेम हो गया ना, इसीलिए बच्चे लोग ठीक से खड़े हो नहीं पा रहे थे। अगर आज फाइनल होता तो बच्चे लोग अच्छा खेलता, फाइनल भी हम लोग जीत सकते थे। यानी कि आप मानते हैं बीच में रेस्ट मिल जाता तो आपकी टीम चैंपियन बन सकती है? हाँ सर, अगर बीच में रेस्ट होता तो मेरा टीम चैंपियन बन सकता। आप हरियाणा पहुंचे हो, हरियाणा को जो कबड्डी है उस खेल जिस तरह से, किस तरह से देखते हो आप जेकेएल को लेकर, इस लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जेकेएल हरियाणा तो सर कबड्डी तो बहुत अच्छा है, सब जितना प्लेयर अभी तक बाहर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहा है, सब हरियाणा का ही ज़्यादा लड़का है। और जेकेएल में जैसे खंडोला बाहर खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, रेलवे के खेल रहा है, हाँ अभी वो प्रो कबड्डी में अच्छा टीम में है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ अभी तक बहुत सारे लड़का है, अभी नया जनरेशन जो लड़का है अच्छा खेल रहा है, अगर लगातार ये खेलते रहेगा, अच्छा खेलेगा तो ऊँचा तक पहुँच जाएगा ये लोग। किस तरह से मानते हो आप हरियाणा में आए हो, किस तरह से देखते हो, कैसा आपको हरियाणा आकर लगा, और ख़ासकर जिस तरह से ऑफिशियल कैसा रहा जेकेएल का? वो सर ऑफिशियल ठीक ठाक ही है, फिर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जेकेएल इतना अच्छा लीग करा रहा है, इतना अच्छा हाँ प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को, हाँ इसीलिए थोड़ा ऑफिशियल भी ठीक ठाक होना है। हाँ बाकी सब ठीक ही है सब। क्या 12वें सीजन में आप उम्मीद करते हो कि आपकी टीम जो 12वां सीजन जेकेएल का होगा वहाँ से चैंपियन बनकर जाएगी? हाँ सर बिल्कुल चैंपियन बनेंगे, हाँ अगर मेरा अगर छुट्टी रहेगा तो ज़रूर आएंगे, 12वां सीजन में आएंगे, और मेरे को जो टीम देगा मैं वो टीम को चैंपियन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ कोलकाता से कोच जुड़े हुए थे, और जिनके टीम विजेता चैंपियन बनने से वो दूसरे नंबर पर आई है, और हमारे साथ एक और कोच हैं वो जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप पहुँचे हैं और कौन सी टीम के आप कोच थे? मेरा नाम वेंकट नारायण है, हम तो आंध्र प्रदेश वाला हूँ, हमने उड़ीसा टीम को लिया था, उड़ीसा टीम ने सेमीस में आया था, सेमीस में थोड़ा प्रॉब्लम से जो डिफेंस का टाइम में वहाँ पर हम हारी गए उड़ीसा सेमीस में। जो जेकेएल ने अच्छी तरफ से चल रहा है, ये जेकेएल ने सारी बच्चों को फ्यूचर को बढ़ा रहा है, जो ये लीग को बनाने वाला अच्छी तरफ से बनाया, ग्राउंड अच्छी है, बच्चों भी अच्छे कर रहे हैं, उसका फ्यूचर भी बेटर रहेगा। सो सभी को मौका, ये जेकेएल का मीनिंग क्या बोलेगा तो सभी को मौका देने है, सभी बच्चे को खेलना है, इसलिए ये इसी में जो प्लानिंग्स है ना अच्छी तरफ से, वो सब्स्टिट्यूशन का जो प्रो कबड्डी में आप देखेगा तो ओनली 15 प्लेयर्स रहेगा, 5 सब्स्टिट्यूशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चे खेलना है, सभी को मौका मिलना है, इसी तरफ से जो सोचा अच्छी बात है, सभी को मौका मिल रहा है, सभी अच्छी तरफ से खेल रहे हैं, उसका पास क्या है जो उसका दम सभी दिखा रहे, अच्छी खेल रहे, इसका फ्यूचर भी अच्छी तरफ से रहेगा। तो कितने दिन आपको हरियाणा आए हुए है और कौन आपकी टीम चैंपियन बनने से क्यों रुक गई?
जो वही है, हम मेरा टीम चैंपियन बनेगा नेक्स्ट सीजन में। अभी तो यही भी मेरा फर्स्ट साल है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस बहुत आई एम फुल ऑफ हैप्पी है। जो नेक्स्ट सीजन में अगर आएगा तो 100% जो उड़ीसा को चैंपियन बना देंगे, उड़ीसा टीम को। कैसे देखते हैं आप कबड्डी के खेलों को, किस तरह से मानते हैं? मिट्टी का खेल है, अब मैट पे आ गए। अब हम दोनों पर खेला, मिट्टी में खेला और मैट पे भी खेला। मेरा बच्चों को भी एक्सपीरियंस अच्छी तरफ एक्सपीरियंस है। हम यहाँ पर सारी बहुत अच्छा वाला प्लेयर्स को देखा। एग्जाम्पल जो अभी जो ये सीजन में चैंपियन बनाया बेंगलुरु टीम ने, उसी टीम में अच्छी तरफ से डिफेंस है, राइडिंग है। हमने जो देखने वाला प्लेयर है अमित, सौरभ और अश्विंदर, जो अच्छी टीम, वो सभी ने हार्ड वर्क किया ने उसका टीम को जिताया। जो उसका कोच भी अच्छी तरफ से बच्चों को ये किया, हम भी वही सोच रहे हैं। सभी बच्चों को मौका मिलना है, जो वो खेलने वाला मैच को ध्यान से देखना है, जो टारगेट करना है मैच को जीतना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ उड़ीसा टीम के कोच थे और कोलकाता टीम के कोच थे, जिन्होंने बताया कि JKL को लेकर किस तरह से JKL का भविष्य देखते हैं, कबड्डी को लेकर इस तरह से उन्होंने बताया कि मिट्टी का खेल है जो मैट पर आ गया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।